काकड़े का कोरमा बन रहा है यहाँ पे, सब्जी है थोड़े, फर्स्ट टाइम हम खा रहे हैं JDC पे बैठ के रोड पे खाना, बिरयानी खा रहे हैं। तो जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो हूँ बिल्कुल फिट, और आज आपको थोड़ा बैकग्राउंड अलग नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ। मैं रात को आसिफ के घर ही सो गया था क्योंकि सुबह जल्दी हमें जाना था एदी विलेज, तो अब एदी विलेज के लिए मैं अपने घर से यहाँ आऊँगा ना, मैं नहीं आ सकता हूँ यार, नींद ऐसी होती है, तो यहाँ सो गया था। और अभी हम जा रहे हैं, अभी 10 बज रहे हैं, तो एदी विलेज में हम बिरयानी वगैरह लेकर जा रहे हैं और कुछ मीठा लेना है अभी रास्ते में, रसगुल्ले वगैरह ले लेंगे बच्चों के लिए, तो बस चलते हैं। ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। अब मेरी गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है कि जाएगी इतना दूर, लेकिन मजबूरी है, लेके जाना पड़ेगा क्योंकि आसिफ पा ने हमारे सोचा नहीं पहले, और अब 100 किलोमीटर है यहाँ से। चलो जाते हैं यार, मसला हुआ तो एडवेंचर होगा, वैसे हम एडवेंचर के शौकीन हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट में। इंशाल्लाह से हम लोग पहुंच चुके हैं एदी होम, बहुत मेहनत और मुशक्क़त के बाद पहुंचे हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी आगे चले गए थे और खाने वाले ने भी आधा घंटा लेट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी 12:15 हो रहे हैं, 12 का टाइम था, तो ये है कि खाना लेट नहीं होगा बच्चों के लिए इंशाल्लाह, बाकी आपको अंदर जाकर दिखाते हैं। मीटिंग चल रही है कि इन लौंडों को जाने दें या ना जाने दें। माशाल्लाह से हो गया बात हो गई, इंट्री हुई भी थी हमारी यार, हम कोई हल्के फुल्के बंदे थोड़ी हैं, यूट्यूब के बंदे आए हैं यहाँ। करते हो यार, देख के तो चले आ जाओ, झूले झूले वूले खाएंगे ना अभी हम लोग, सामने लगा ले, और कोई जगह नहीं अच्छी। माशाल्लाह से अडाप्ट हो गए हम लोग, और वो हमारी गाड़ी खड़ी है पीछे, बिरयानी वहाँ से निकल लिए और रसगुल्ले हमारे पास हैं, रसगुल्ले हम निकाल लें, मैं खोल दूँ। और इस दरवाजे की कहानी तो आप लोगों को पता होगी, ये सिर्फ हमसे ही खुलता है और किसी से नहीं खुलता। रसगुल्ले हैं माशाल्लाह, रसगुल्ले दिखाते हैं आपको ना यामिन भाई, अमीन क्या नाम है आपका, साकिब भाई, यार ये छोटे रसगुल्ले हैं, बजट के हिसाब से लिए हमने। बजट होता है ना यार, यामिन भाई, अमीन क्या नाम है आपका, सादिक भाई, बजट से चलना पड़ता है ना, बिल्कुल बजट से चलना पड़ता है। सिपा भी हमारे ना, कसम से यार, अभी बच्चे स्कूल गए हुए, गाड़ी हमारी वहाँ रुकवा दी उसने, 1 किलोमीटर दूर पैदल आए यहाँ पे, अब कह रहा है कि भाई वापस वहाँ जाओ, मतलब अभी ये जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वहाँ पे हम आए थे, लेकिन बच्चे स्कूल गए हुए, तो अब हम जा रहे हैं डिसेबल बच्चों की तरफ, तो स्पेशल बच्चे जो होते हैं वहाँ पे पहले खाना हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे आएंगे, तो देखते हैं अब क्या होता है। ये हमने ख़र्चा किया 2500 रुपये का, लेकिन हम यूज़ नहीं करते, तो आज हमने सोचा कि यूज़ कर लेते हैं इसको। ये होता है फ़ायदा जब आप करते हो खर्चा, तुम कच्ची करवाते हो पक्का, प्रॉपर काम तुम करते नहीं हो, तुम किस चीज़ के इवेंट मैनेजर हो, तुम्हें नहीं बताना यहाँ पे सीन क्या हो, यहाँ पिज्ज़ा क्रस्ट की गाड़ियाँ तुम ले आए हो, बिला वजह तुम स्पॉन्सर दे रहे हो उसको, उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवा रहे हो उसका, तुम्हें यही तो नहीं पता। तो भाई यहाँ पे सीन कुछ ऐसे हैं कि हम लोग अभी गए थे चाइल्ड, मतलब स्पेशल चाइल्ड पर गए थे खाना खिलाने, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास 1900 बच्चे हैं और आपको एंट्री करवानी पड़ेगी, पहले एंट्री नहीं हुई। खैर हमें ये एंट्री वाला सिस्टम समझ नहीं आया क्योंकि पहले कभी ये हुआ नहीं हमारे साथ, तो मैं तो पहली बार आया हूँ, एक लड़का आया हमारे साथ, उसने बताया कि यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है एंट्री का, ये अभी नया सिस्टम आया है। खैर अब जो भी हम क्या कर सकते हैं, मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, और यहाँ पर बच्चे हैं 150-200, हम तो 300-350 बच्चों को खाना लाए थे, अब यहाँ 150 बच्चे हैं कह रहे हैं, या 200 हैं, खैर जितने भी हैं खाना खाएंगे, बाकी खाना बच जाएगा, देखते हैं क्या करना है, यहाँ ही छोड़ देंगे या लेके जाएंगे। लेकिन वो एक मतलब इत्मीनान इसमें आता है कि बच्चे बैठे हों और हम लोग पूरा खाना खिलाकर फिर जाएं, लेकिन देखते हैं कि अब क्या होता है। ये डाइन एरिया, डाइनिंग तो अलाउ नहीं है भाई, बाहर बैठ के खाना पड़ेगा, डाइनिंग तो अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे डाइनिंग चल रहा है यार, देख लो।
माशाल्लाह बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं अंदर, और काफ़ी कम बच्चे हैं यार। माशाल्लाह बच्चे अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ का टाइम हो रहा है अभी, हम भी अब नमाज़ पढ़ेंगे। और काफ़ी कम बच्चे हैं यार, हम तो ज़्यादा ले आए बिरयानी लाएँ और वो लाएँ रसगुल्ले। खैर जो बजट के हिसाब से लाएँ, ज़ाहिर है बजट के हिसाब से होता है, लेकिन बच्चे बहुत कम हैं, खाना बहुत बचेगा। देखते हैं कि अब क्या करते हैं, रिटर्न लेके जाना पड़ेगा या यहाँ छोड़ना पड़ेगा। खैर यहाँ पे बच्चे इतने थोड़े से हैं तो कितना खाना छोड़ेंगे। हम लाए 300-400 लोगों के हिसाब से लाए हैं। मैंने यहाँ पे पूछा, वो कह रहा है कि 40-48 बच्चे हैं, समझ से बाहर हैं। ये लोग कह रहे हैं 120 हैं। खैर नज़र तो नहीं आ रही, इतने सफ़ में आपने देखा कितने बच्चे हैं। सिस्टम बहुत यहाँ आउट हो गया है इस बार, या हमारी शायद मिसमैनेजमेंट है, नहीं पता, लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। हाँ मुर्गे आपके हैं ये? नहीं आते। मुर्गे नहीं आपके? नहीं। किसके हैं? मैं भी छोड़े बता। आपको नहीं पता? नहीं पता है। अच्छा अच्छा। आसिफा को सब सलाम कर। भाई आसिफ ये क्या कर रहा है तू? अबे बोटियाँ टूट जाएंगी। ये तो कोई पहली बार देख रहा हूँ मैं यार। भाई सादे चावल भी डाल ला। माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिफा हमारे बिरयानी बढ़ते हुए। आसिफा तुम बिरयानी का कारोबार खोल लो। आसिफा बिरयानी का कारोबार खोल लो तुम। वैसे तो यहाँ पे होते हैं ज़्यादा बच्चे, लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ 50 बच्चे थे, तो बस अब ये बच गया। अब जा रहे हैं हम लोग दूसरी जगह, क्योंकि खाना काफ़ी बच गया है, और देखते हैं कि अब कहाँ जाते हैं दूसरी जगह। आसिफा स्नैप लेते हुए, स्नैप के बगैर तो काम ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है आसिफा का स्नैप के बगैर। अब ये बोलेगा तूने बोला था, बोल दे भाई। सबकी लेने चलनी है। हमारी एक लेने ना बिल्कुल सुस्त है, क्योंकि हमारे साथ ये सुस्त बंदा बैठा हुआ है। ये सुस्त बंदा ही बैठा सारे काम करता है। क्या काम किया तूने? देख तू ऐसे हिला रहा था जैसे कोई चरस नहीं मना रहे होते। तुम्हारी तरह देखो मैं बंदी है, है? भाई पिछले 10 मिनट से हम यहाँ खड़े हुए हैं और आगे कोई फटा चल रहा है। आसिफा हमारे गए हुए हैं, बल्कि सारी गाड़ियों से उतर के लोग गए हुए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि लाइन चेंज कर लें, लेकिन हर जगह फुल भरा पड़ा हुआ है, और आप देख सकते हो पीछे भी पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हर जगह। तो अब सोच रहे हैं हम लोग कि क्या करें क्या ना करें। हो गया, चलो भाई खुल गया भाई, डंडा खुल गया। 1 2 3 स्टार्ट। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम 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 गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, कभी नरम कभी गरम, कभी नरम गरम नरम 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 नरम। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं JDC ओल्ड एज जा रहे हैं, क्योंकि खाना बच गया है तो वहाँ पे दे देंगे, और वहाँ हम भी बैठ के खाएंगे खाना। भूख लग रही है ज़ोरों से, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ है भाई। आज तो खाने वाला कोई नहीं, हम लोग ओल्ड एज होम गए, वहाँ भी लोगों ने खा लिया। अब यहाँ पे आए हुए JDC दस्तरखान थोड़ा कोर्ट पे, यहाँ पे भी अब खाने का है नहीं सिस्टम। मतलब अभी कह रहे हैं हम शाम में खिलाएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम यहाँ पे खाना खिला कर जाएंगे। तो अभी हम लोग खाना खिला रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के बिठाएंगे और खिला के ख़त्म करेंगे यार। अभी भी दो ढाई दे के बच गई हैं। आसिफ भाई मेरे लिए भी एक प्लेट। माशाल्लाह हमारे आसिफ भाई देखे बढ़ रहे हैं हमारे आसिफ भाई। माशाल्लाह यहाँ पे बकरे का कोरमा बन रहा है, यहाँ पे सब्जी है, और यहाँ पे हमारे हैं वन एंड ओनली आसिफा।
बिरयानी बांट रहे हैं आज माशाल्लाह, JDC पे आए हुए हैं। आसिफा मुझे भी दे दो एक प्लेट यार, तो भूख से बुरा हाल हो रहा है और अब हमारा खाने का टाइम होने वाला है और बस अब हम लोग खा रहे हैं। हाँ भाई शुएब क्या खाएगा, बकरा? बकरा बकरा खाएगा, बकरा खाएगा ये। और माशाल्लाह यहाँ पे JDC पे साफ पैसों से होता है, ये हम लोग भी खा सकते हैं और वाइट पोस्ट जो लोग होते हैं वाइट कॉलर वाले वो भी खा सकते हैं। भाई फर्स्ट टाइम हम खा रहे हैं JDC पे बैठ के रोड पे खाना, बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी हम खुद ही लाए थे। टेस्ट बताते हैं आपको कैसी है। अबे बोतलें पकड़ो ना। बेहतरीन बिरयानी, बेहतरीन। क्या पता नहीं ज़्यादा भूख है, इसमें ज़्यादा लग रही है। मिर्चे भी खाएँ, जानदार बिरयानी। सबसे अच्छी बात है कि हमने इसमें आलू डलवाए बिरयानी में। आसिफा के तो मज़े आ गए JDC पे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, बिरयानियाँ फोर रहे हैं, बकड़े खा रहे हैं, बकड़े काम कर लो। माशाल्लाह से रसगुल्ले भी बांटे थे हमने, रसगुल्ले अच्छे हैं। चमचम सॉरी। चलो भाई बस आज की छोटी सी वीडियो हमारी यही थी और JDC पे मज़ा आया बहुत हमें खाना खा के, पुरसकून माहौल है। फिर आपसे मिलते हैं हम कोई नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।